हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये क्लिप है फ्रेंड कल थर्सडे की, और यहाँ पे मौसम आज भी बारिश वाला बना हुआ था। रात में बारिश हुई थी काफ़ी, लेकिन अभी मॉर्निंग टाइम पे नहीं हो रही थी, लेकिन मौसम बारिश वाला बना हुआ है। और इसके बाद बारिश हुई भी थी हल्की। तो यहाँ पे हम दे देते हैं फूलों में सबसे पहले पानी। डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो यहाँ पे फूलों में पानी देने के बाद, थोड़ी देर छत में घूमने के बाद, अब मैं आ गई फ्रेंड किचन में। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए सबसे पहले चाय बनाई थी, और चाय पी लेते हैं, उसके बाद तो बनाते हैं नाश्ता। और नाश्ते में कल रात की लौकी की सब्ज़ी तो लगा रखी थी, तो मैंने गरम की थी और रोटी बनाई थी। तो चलिए पहले चाय बना लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे चाय ज़रूरी होती है ना, इसलिए। तो चलिए पहले चाय बनाते हैं, उसके बाद नाश्ता बनाते हैं। और यहाँ पे ये क्लिप है फ्रेंड दिन की। तो मैं इंस्टीट्यूट से घर आ गई थी, और मुझे बनाना था लंच। तो लंच में मैंने राजमा की दाल बनाई थी, चावल बनाए थे। राजमा की दाल मैंने कल ज़्यादा उबाल दी थी, ताकि आज के लिए भी हो जाए, तो इसलिए आज के लिए बचा रखी थी। तो वही मैंने बनाई थी और चावल बनाए थे। तो चलिए फटाफट से लंच भी बना देते हैं। चारों तरफ काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं, बारिश भी आने वाली है, लेकिन अभी तूफान चल रहा है। और ये क्लिप है फ्रेंड्स कल शाम की। तो यहाँ पे मैंने कल बच्चों के लिए बनाई थी ब्रेड, क्योंकि उन्हें ब्रेड खानी थी। और साथ में प्रेशर कुकर में रख दिए थे छोले उबालने के लिए, क्योंकि डिनर में मुझे छोले बनाने थे। तो छोले बनने के लिए रख दिए थे, और बच्चों के लिए ब्रेड बना रही थी, क्योंकि इनको ब्रेड खाने थे। शाम का टाइम ही ऐसा होता है, जब बच्चे खेल के आते हैं तो उन्हें भूख लग जाती है, कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे ब्रेड रह रखी थी और बटर रह रखा था, तो वही मैंने लगा के दे दिया था इसमें बटर ब्रेड में। और जितनी देर में मैंने बच्चों के लिए ब्रेड तैयार की थी, तो यहाँ पे छोले भी बन के तैयार हो गए थे। तो मैंने प्याज टमाटर कट करके छोले भी छोंक दिए, मतलब डिनर बनाने की तैयारी, क्योंकि इसके बाद मुझे बेटी को होमवर्क कराना था। अब उन्हें होमवर्क मिल गया है, तो धीरे धीरे करके करा रही हूँ। और होमवर्क काफ़ी ज़्यादा मिला हुआ है, तो एक दिन मतलब पर डे एक एक होमवर्क कराना पड़ रहा है हर नोटबुक में। तो इसके बाद मैं बच्चों को होमवर्क कराऊँगी। तो यहाँ पर डिनर बना लेते हैं पहले। और यहाँ पे कुछ छोले मैंने बचा दिए थे बच्चों के लिए सुबह के लिए, क्योंकि इनको छोले ना बहुत पसंद होते हैं बच्चों को, तो मैंने ज़्यादा बना दिए थे। तो कुछ मैंने डिनर में बना लिए थे, कुछ बचा दिए थे मॉर्निंग के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बर्तन हो गए थे, तो वो मैं धुल देती हूँ और डिनर बनाने के लिए रख देती हूँ। इसके बाद आटा गूंथते रोटी बनाते हैं और बच्चों को होमवर्क कराते हैं तब तक।
हेलो फ्रेंड्स, तो अब हमारा डिनर हो गया है और अब टाइम हो रहा है 10 बज रही है। थकान लग गई काफ़ी, यहाँ पे ऐसी भाग से गुड नाइट। चलिए फ्रेंड्स, अब ब्लॉग का भी एंड करते हैं और आप सबको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, कल मतलब परसों वाले ब्लॉग में, कल भी बनाऊंगी ना इसलिए। ओके, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट शुभरात्रि।